हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उल्फीना शेख। आई एम फ्रॉम हिल्स हायर स्कूल, स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे वी विल लर्न एक्टिविटी 9। लेट स्टार्ट। लुक दिस पिक्चर। यहाँ पर हमें पहले तो ये पिक्चर्स को देखने हैं, फिर उनको एक्सप्लेन करना है, बोलना है, और फिर सेम यहाँ पर जो ब्लैंक्स दिए गए हैं वहाँ पर सेम लिखना है, जैसे हमने बुक्स में दिया गया है वैसे। दिस इज अ कप। ये कप है। इट इज ग्रीन। कप कौन से कलर का है? ग्रीन। ये ग्रीन कलर का है। अब देखिए, मैंने लिखा है साइड में, यहाँ पर जो ब्लैंक्स दिए गए हैं वहाँ पर सेम, दिस इज अ कप, इट इज अ ग्रीन लिखा है, वैसे आपको भी अपनी नोट्सबुक में लिखना है गुड राइटिंग में। सेकंड, दिस इज अ बटन। यहाँ पर आपको देखिए बटन दिखाई दे रहा है, तो हमें इसको क्या बोलेंगे? दिस इज अ बटन। ये बटन है। इट इज ब्लू। बटन कौन से कलर का है? ब्लू। ये ब्लू कलर का है। सेकंड, दिस इज अ कैट। ये बिल्ली है। इट इज ब्लैक। बिल्ली कौन से कलर की है? ब्लैक। तो आपको सेम वैसा ही यहाँ पर लिखना है। सेकंड, दिस इज अ टेबल। ये टेबल है। इट इज येल्लो। टेबल कौन से कलर का है? येल्लो। आपको ये भी लिखना है अपनी नोट्सबुक में गुड राइटिंग में, ठीक है। अब देखिए एक्टिविटी 10। अपने टीचर्स की मदद से शब्द बोलिए और उनके जो मूलाक्षर जो वर्ड्स हैं उनको पहचानिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, टी और सी, यहाँ पर दो लेटर दिए गए हैं जिनको हमें, जिनकी मदद से हमें यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे, उनको पहले हम पढ़ते हैं और उनके मीनिंग समझते हैं, ठीक है। चलिए, अ पॉट। पॉट मतलब मिट्टी का घड़ा, मटका बोलते हैं जिसको। अ मैट। मैट मतलब चटाई। अ टोमेटो। टोमेटो मतलब टमाटर। अ गोट। गोट मतलब बकरी। अ ट्री। ट्री मतलब झाड़। अब यहाँ पर हमने ये जो वर्ड्स पढ़े मीनिंग के साथ, तो इन वर्ड्स में कितनी बार टी आया है वो हमें काउंट करना है, और नीचे जो दिखा आपको दिख रहा है ब्लैक ब्लैकेट, उसमें उस ब्लैकेट में लिखना है। तो चलो काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बार। 6 बार टी आया है इन वर्ड्स में, तो हमें वहाँ पर 6 लिखना है। तो देखिए मैंने लिखा है 6, आप लोग भी लिखिए 6। चलिए सेकंड, एन आइसक्रीम। आइसक्रीम तो हम सबको पता है, हम सबको बहुत भाती भी है और हम लोग खाते भी है। अ कोकोनट। कोकोनट मतलब नारियल। अ काऊ। काऊ मतलब गाय। अ कैमल। कैमल मतलब ऊंट। अ स्कूटर। स्कूटर मतलब स्कूटर ही होता है। तो अब ये जो वर्ड्स है, 5 वर्ड्स है यहाँ पर, जो अब इन वर्ड्स में कितनी बार सी आया है वो हमें काउंट करना है। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 बार। 7 बार सी आया है। तो हमने यहाँ पर देखिए, मैंने 7 लिखे हैं, आप लोग भी ब्रैकेट में 7 लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्टिविटी 11। यहाँ पर एक्टिविटी 11 में देखिए कुछ
पिक्चर्स हमें दिए गए हैं, उन पिक्चर्स की मदद से हमें इन्हें बोलना है, समझना है अच्छे से। तो चलिए, दिस इज़ अ कोकोनट ट्री, ये कोकोनट मतलब नारियल, ट्री मतलब झाड़, ये कोकोनट मतलब नारियल का झाड़ है। इट इज़ टॉल, टॉल मतलब लंबा, ये लंबा है। सेकेंड, दिस इज़ अ नीम ट्री, अब ये नीम का पेड़ है, यह नीम का पेड़ है। इट इज़ शॉर्ट, ये छोटा है, शॉर्ट मतलब छोटा। सेकेंड, दिस इज़ अ येलो बॉक्स, ये पीला बॉक्स है। इट इज़ स्मॉल, ये छोटा है, स्मॉल मतलब भी छोटा। दिस इज़ अ ग्रीन बॉक्स, ये ग्रीन मतलब लीला, ये लीले रंग का बॉक्स है। इट इज़ बिग, ये बड़ा है। दिस इज़ एन आइसक्रीम कप, ये आइसक्रीम का एक कप है, बाउल है। इट इज़ अ कोल्ड, ये ठंडा है, कोल्ड मतलब ठंडा। दिस इज़ अ कप, ये कप है। द टी इज़ हॉट, चाय गर्म है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने कैसे एक्टिविटी 11 को अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये पेज पे जितने भी लेटर मतलब मूलाक्षर दिए गए हैं, उन मूलाक्षर आपको पहचानने हैं उनको, और फिर अपनी नोट्सबुक में अच्छे से गुड राइटिंग में लिखना है। थैंक यू।